अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ये क्वेश्चन हम क्रैमर रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे जी। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने इक्वेशंस को। तो कैसे करेंगे, इनके कोफिशियंट लिखने होते हैं वेरिएबल के। तो एक्स का कोफिशियंट 2 है, फिर x का कोफिशियंट -5 है, y का कोफिशियंट -2 है, और फिर y का कोफिशियंट क्या आ रहा है आपके पास, -2 आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, x y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 4-10 आ जाएगा। ओके जी, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसके नेम देने हैं मैट्रिसेस के। तो इस मैट्रिक्स का नेम ए है, फिर ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास बी है। अब हमें क्रैमर रूल से एक्स को मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, और वाई मालूम करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। यानी कि हमें एक्स और वाई मालूम करने के लिए ए एक्स चाहिए और ए वाई चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एक्स को फाइंड आउट करेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स को कैसे हमने फाइंड आउट करना है, हम इसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में सीख चुके हैं। हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स के एक्स एंट्रीज को छुपा लेना है। ये जो पहला कॉलम है ना, ये एक्स एंट्रीज का होता है, दूसरा कॉलम किसका होता है, वाई एंट्रीज का होता है। तो एक्स एंट्रीज को छुपा लेंगे, इसकी जगह ये बी वाला लिखेंगे 4-10, और सेकंड कॉलम यही आएगा ए का। तो ये हमारे पास ए एक्स बन जाएगा। ए वाई बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए वाई इज इक्वल टू इसी ए मैट्रिक्स का वाई कॉलम छुपा लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम क्या है, 2-5, सेकंड की जगह हमने क्या लिख दिया, 4-10 लिख दिया। तो इस तरह से हम ए एक्स और ए वाई को मालूम कर सकते हैं। अब हमें इनके क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स चाहिए। अब हम मॉड मालूम कर लेंगे। पहले मैं ए का मॉड मालूम करूंगा। ए का मॉड इज इक्वल टू कैसे लेते हैं, ए का मॉड हम पहले सीख चुके हैं, मॉड कई बार ले चुके हैं मॉड जी। ए का मॉड इज इक्वल टू कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2-2-4 आएगा ये फार्मूले का माइनस। फिर -2 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, +10 ये +-, इनके 10 का 10 आ जाएगा। तो ये कितना मॉड आया इसका, माइनस का 14। अब a का मॉड कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 14 आ चुका है। अब हमें ए एक्स का मॉड चाहिए। ए एक्स का मॉड इज इक्वल टू ए एक्स की क्या एंट्रीज हैं, 4-2-10-2, ये ए एक्स का मॉड जी। कैसे लेंगे ए एक्स का मॉड, आगे 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से माइनस, तो -8 आएगा ये फॉर्मूले का माइनस। -+10, 2 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। प्लस आया था क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो ये रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, -28 रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब हमें चाहिए ए वाई का मॉड इज इक्वल टू, ए वाई का मॉड क्या है हमारे पास, ए वाई की एंट्रीज आ जाएंगी हमारे पास, 2 है, 4 है, -5-10 का मॉड इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कीजिए -10 से, तो कितना आएगा, माइनस का 20, फिर ये फार्मूले का माइनस, 4-5 20, ये माइनस का आएगा, -, क्या हो जाएगा, प्लस का 20। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हमने ए एक्स, ए एक्स और ए वाई तीनों मॉड फाइंड आउट कर लिए हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड, तो ए एक्स का मॉड कितना आया हमारे पास, माइनस का 28 आया, -28 ओवर a का मॉड कितना है हमारे पास, a का मॉड हमारे पास -14 है, तो -14 लिखें, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 2 टाइम 28 होते हैं, तो x का रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब चलते हैं हम y की तरफ, तो y इज इक्वल टू ए वाई का मॉड कितना आया हमारे पास, ए वाई का मॉड 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 पुट करना है। ए का मॉड कितना है हमारे पास, ए का मॉड हमारे पास -14 है, -14 पुट कर देंगे। जब हम 0 को डिवाइड करेंगे -14 पर, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया। तो अब चलते हैं बच्चों लास्ट स्टेप की तरफ।